ज्ञान बापी मस्जिद है, इसीलिए प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में गया है। अगर ज्ञान बापी मंदिर होता तो माननीय न्यायालय में यह प्रकरण जाता ही नहीं। विवाद की शुरुआत ही यहीं से हुई है कि वो ज्ञान बापी मस्जिद है, पांच वक्त की अभी भी उसमें नमाज पढ़ी जाती है, और जब तक माननीय उच्च न्यायालय का कोई निर्णय अन्यथा नहीं आ जाता तब तक वो ज्ञान बापी मस्जिद है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय उच्च न्यायालय से बड़े नहीं है, इसलिए इतनी जल्दी क्या है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का इंतजार सबको करना चाहिए। जब मामला न्यायपालिका में विचाराधीन है और जब तक निर्णय माननीय उच्च न्यायालय का नहीं आ जाता है तब तक उस पर किसी भी प्रकार का सकारात्मक नकारात्मक उत्तर नहीं देना चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका सर्वोच्च है, न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में किसी भी बड़े से बड़े ओहदेदार, यहां तक कि प्रधानमंत्री जी और माननीय राष्ट्रपति जी और माननीय उच्च न्यायालय के और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में कभी दखल नहीं देते हैं, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को भी न्यायपालिका के सम्मान में इस तरह की बात अभी नहीं करनी चाहिए। सब कुछ निर्णय माननीय उच्च न्यायालय पर छोड़ देना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का आने का इंतजार करना चाहिए, और जब तक नहीं निर्णय आता है तब तो ज्ञान बापी मस्जिद है। सर, आपने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर की बात की कि वो पहले बौद्ध मठ थे, उनको तोड़कर मंदिर बनाया गया है, आपने भी सर ऐसी बात कही है, क्या लगता है इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है चुनाव में? मैं चुनाव को देख करके कभी कोई बात नहीं करता हूं। अगर हमें चुनावी बात करनी होगी तो देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, करोड़ों नौजवान बेरोजगारी की त्रासदी झेल रहा है, महंगाई से लोगों की कमर टूट गई है, जीएसटी का दुरुपयोग व्यापारियों का धनादोहन करके किया जा रहा है, यहां तक कि जीएसटी से संबंधित प्रकरण को ईडी को सौंपकर व्यापारियों की भी कमर तोड़ने की तैयारी कर ली गई है। आजादी के बाद भाजपा पहली सरकार है जो राष्ट्रीयकृत संस्थानों, प्रतिष्ठानों, विभागों को बेचने का पाप कर रही है। डबल इंजन की सरकार, देश के सभी बंदरगाह बेच दिए, सभी एयरपोर्ट बेच दिए, एयर इंडिया बेच दिया, देश के सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए, यहां तक कि कई दर्जन ट्रेनें भी उद्योगपतियों के हवाले कर दिया। एलआईसी बड़ी जैसी बड़ी संस्था जिसमें लाखों लाख लोग काम करते हैं उसको भी उद्योगपतियों के हवाले कर दिया। यानी जिन सरकारी विभागों, प्रतिष्ठानों, संस्थानों में नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलने की उम्मीदें थी, भाजपा सरकार ने उनके उम्मीदों का भी कत्लेआम कर दिया। इसलिए जब हम चुनाव में जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए एक एक पाप को जनता के बीच में उजागर करेंगे। यह तो सामान्य सी बात थी, पत्रकारों ने प्रश्न छेड़ा था, मैंने उसका उत्तर दिया था, और मेरे उत्तर देने के बाद देश भर में तमाम ऐसे यथास्थितवादी लोग जो धर्म की आड़ में इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपमानित करने का दुस्साहस करते हैं,
यहां तक कि देश के राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को भी जगन्नाथ दिल्ली मंदिर में घुसने से प्रवेश का मना करके न केवल राष्ट्रपति का अपमान किया, पूरे देश की जनता का अपमान किया, आदिवासियों का अपमान किया, दलितों का अपमान किया, पिछड़ों का अपमान किया। इसके पहले भी तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को ब्रह्मा के मंदिर पुष्कर राजस्थान में अंदर जाने से रोक दिया था, उनको भी बैरंग सीढ़ी पर से माथा नवा के लौटना पड़ा था। क्या यह आदिवासियों दलितों का अपमान धर्म के ठेकेदारों को दिखाई नहीं पड़ रहा है? यही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी 2017 में मुख्यमंत्री के रूप में अखिलेश यादव जी ने जब कालिदास मार्ग को छोड़ा, यही भाजपा के लोगों ने पहले उसे गोमूत्र से धोया, उसके बाद गंगाजल से धोया। क्या अखिलेश यादव जी इंसान नहीं है? उनको पूजा करने का हक नहीं है? क्या राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के लिए अस्पृश्य हैं? क्या राष्ट्रपति होने के बावजूद द्रौपदी मुर्मू जी इस योग्य नहीं है कि मंदिर में जा सकती हैं? इसका मतलब है धर्म के ठेकेदारों ने दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को समय समय पर जिस तरीके से अपमानित किया है, लगता है हिंदू धर्म दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के लिए नहीं बनाया गया, यह केवल एक वर्ग जात के लिए बनाया गया है। और वही जाति वर्ग के लोग जब जिसको चाहते हैं मंदिर में जाने देते हैं, और जब जिसको चाहते हैं मंदिर में प्रवेश से मना कर देते हैं। यानी यह एक वर्ग विशेष का धर्म है। अगर आदिवासियों का धर्म होता, दलितों का धर्म होता, पिछड़ों का धर्म होता, तो शायद यह महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के अपमानित करने का दुस्साहस नहीं करते। दुनिया में भारत की पहचान बुद्ध से है, बौद्ध दर्शन से है। इसलिए हमारे देश का कोई भी प्रधानमंत्री या कोई भी राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति देश के बाहर दुनिया के किसी देश में जाता है तो वह बुद्ध की हवाला दे, बुद्ध का ही हवाला देता है कि हम उस भारत भूमि से आए हैं जहां बुद्ध पैदा हुए थे। इसलिए क्योंकि दुनिया में भारत की पहचान बुद्ध से है, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी, महामहिम राष्ट्रपति जी भगवान बुद्ध की बात करते हैं, बौद्ध दर्शन की बात करते हैं। लेकिन कल मैंने बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम के साथ साथ अन्य दर्जनों धामों के विषय में तमाम इतिहासकारों का पक्ष भी रखा। अगर हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म एक ही है तो बौद्ध मठ तुड़वा करके हिंदू तीर्थस्थल क्यों बनाए गए हैं? इसका मतलब है दिखावे के लिए। तो यह है, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म को एक बताते हैं, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि अगर एक होता तो बौद्ध मठ तोड़े नहीं जाते, बुद्ध की मूर्तियां छिन्न भिन्न नहीं की जाती, और बौद्ध मठों को हिंदू तीर्थस्थल में परिवर्तित नहीं किया जाता। इसीलिए तो मैंने कहा कि अगर नेशन फर्स्ट, तो 15 अगस्त 1947 जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ उस दिन के सभी तीर्थ धर्म स्थलों की यथास्थिति को यथावत स्वीकार करना चाहिए। जो लोग उसको इतर जाकर के मस्जिद में मंदिर खोजने का दुस्साहस कर रहे हैं, वही लोग इस विवाद को हवा दे रहे हैं, विवाद को आगे बढ़ने का रास्ता तैयार कर रहे हैं। क्योंकि इसी प्रथा के पर चलते हुए कल मंदिरों में लोग बौद्ध मठ खोलना शुरू कर देंगे। मायावती जी ने भी बयान दिया है कि स्वामी महाराज जो बयान दे रहे हैं इससे बौद्ध धर्म के लोग उनकी तरफ आकर्षित होने वाले नहीं है। माननीय बहन जी को मैं बहुत इस बात के लिए साधुवाद देना चाहता हूं
कि उन्होंने बोला तो जरूर लेकिन बेमौसम बोला। अगर उनको बोलना ही था तो जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को जगन्नाथ दिल्ली मंदिर में जाने से रोका गया, बैरिकेटिंग के बाहर खड़ा होकर उनको पूजा पाठ करना पड़ा, उस समय उनको बोलना चाहिए था। अगर मानिया बहन जी को बोलना ही था तो जिस समय तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को ब्रह्मा पुष्कर राजस्थान के मंदिर में अंदर जाने से रोका गया, सीढ़ी पर माथा नवा के उनको वापस लौटना पड़ा, उस समय उनको बोलना चाहिए था। अगर उनको बोलना ही था तो जिस समय आदिवासी पर भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने पेशाब किया, उस समय उनको बोलना चाहिए था। अगर उनको बोलना ही था तो आज मणिपुर जल रहा है, मणिपुर जाकर के वहां लोगों का आंसू पोंछना चाहिए था। लेकिन आज उन्होंने तब बोला जब दर्जनों इतिहासकारों का साक्ष्य मैंने देश की जनता के सामने प्रस्तुत किया है, तो अब उनके बोलने का कोई औचित्य नहीं। धन्यवाद।